प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 10वीं का है, और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहां से आप लोग देख लीजिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का गणित का पूरा पेपर देखेंगे आज हम यहां से। एक भी क्वेश्चन आपका यहां से प्यारे विद्यार्थियों मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अंतिम टाइम तक देख लिया अच्छी प्रकार से। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित का पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सभी को अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब यहां से आप लोग देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए एवं बी इस प्रकार है कि ए गुणा बी बराबर 32 और एलसीएम ए बी बराबर 8 है तो एचसीएफ होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी को यह बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर अल्फा प्लस बीटे के मान को देखा जाए तो यह आ जाएगा आपका बी बटा ए। इस प्रकार से आप सभी लोग देख लें। अब चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और आपके जो आगे के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, जो कि पूछा गया है, यदि ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन सी टू तो समीकरण निकाय के क्या हल होंगे। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा कोई हल नहीं होगा। तो तीसरे का उत्तर बी लगा लेना है। चौथा क्वेश्चन, श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको लिख लेना नवा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवे का उत्तर आपको 90 डिग्री कर लेना है। छठे क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें आप सभी लोग, क्या पूछा गया आपसे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अभाज्य लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन, घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 3+2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, तो 5 होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसमें आपको समान लिख लेना है। छठे क्वेश्चन में आपको 1/2 लिख लेना है। सातवें क्वेश्चन में आपको छेदक रेखा लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को और इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा आपसे आगे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन, 1+cot²θ इसकी जोड़ी का मिलान cosec²θ से हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, sec θ इसकी जोड़ी का मिलान 1/cos θ से हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, sin²θ+cos²θ इसकी जोड़ी का मिलान 1 से हो जाएगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन, tan 60° इसका मान √3 लिख देना है। cos90−θ इसकी जोड़ी का मिलान sin θ से हो जाएगा। sin 48° sec 42° cos 48° और cosec 42° इसका मान आपका 2 आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आपको 0 लिख लेना है। दूसरे क्वेश्चन आपको लिख लेना m = -1। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, वास्तविक और असमान होंगे, यहां से आपको यह लिख लेना है। चौथा क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, यहां बिल्कुल होते हैं। उसके बाद में वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर। इसके बाद में छठा क्वेश्चन में आपको लिख लेना 2 और 3 और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो वैसे ही होता है, मगर आपको यह अध्याय आपका जो है ना गणित, उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको देख लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनको, सत्य सत्य वगैरह को। तो देखिएगा सत्य सत्य वगैरह आपको इस प्रकार से देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संपूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल सत्य कर लेना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य होगा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा, पाँच नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, छठे का भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। अब उसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो देखिएगा आप आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलेगा समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपसे इन प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे छठे क्वेश्चन को, सातवें को। अब चलेगा मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी को इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ मैं, इनको आवाज गुणनफल के रूप में आपको लिखना था। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सभी लोग इस प्रकार से देख लेंगे इसको, ये इसका अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर है। अब चलेगा हम सातवें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, संख्या छेप उत्तर और 120 का आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, थोड़ा सा पास से बता देता हूँ मैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। और उसके बाद में देखिएगा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आपको आठवां जो क्वेश्चन लिखा है जिसमें कि दिया गया आप सभी को क्या लिखा, आठवें क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पर, इसको आपको द्विघात बहुपद के रूप में इसको लिखता ना। तो देखिएगा आठवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में पीछे भी आपको कुछ इसका हिस्सा दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का नोट कर लें। और इसके बाद में आठ के बाद में नवा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा याद भी कर लेंगे। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। अब चलेगा हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं और उनके उत्तरों को समझते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दसवां, एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए बराबर -1.25 सर्वंतर डी बराबर 0.25 है। तो देखिएगा दसवां क्वेश्चन जो दिया गया ना, अब चलेगा इसके उत्तर को देखते हैं ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दसवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसवें तक के क्वेश्चंस बता दिए, ग्यारहवा क्वेश्चन जो लिखा ना आपका, इसका उत्तर ये होगा, पूरा का पूरा ग्यारहवें क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, यहाँ तक का जो पूरा क्वेश्चन है ना, इसके उत्तर को आप लोग देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। तो ग्यारहवा क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसके बाद में बारहवा क्वेश्चन, तो देखिएगा बारहवें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आप सभी को मैं इसका उत्तर भी बताता हूँ। तो चलिएगा आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बारहवें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बारहवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे, पूरा का पूरा उत्तर मैंने यहाँ से आपको उपलब्ध करवा दिया। अब बारहवें के बाद में तेरहवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा तेरहवें क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके तेरहवें क्वेश्चन का उत्तर। तो पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको और अच्छे से हल भी कर लें। पूरा का पूरा यहाँ से मैंने आप सभी को तेरहवा जो क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तेरहवें के बाद में अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो तेरहवें के बाद में चौदहवा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए का मान बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये चौदहवें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। और इसके बाद में पंद्रहवा क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष 1-1 ये है। तो देखिएगा पंद्रहवें क्वेश्चन का उत्तर कहाँ से आपको देखना है, चलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी को जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना मैं, उन सभी को देखते चलें। ये 15वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा यहाँ तक का हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप सभी को और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा 16वां क्वेश्चन जो लिखा है, गुणनखंड विधि से इसका आपको हल करना है। ये जो सवाल दिया गया ना, इसको हल करना गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा सोल्यूशन लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल करना सीख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तीन अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 17वां क्वेश्चन। तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं, तो बिल्कुल आपसे पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, ये यहाँ से आप सभी लोग इसके उत्तर को अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ से आपको बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा उत्तर नोट कर लें आप लोग। और इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, तो देखिएगा 18वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लें आप लोग। 18वां क्वेश्चन पूरा देख लें और इसको यहाँ तक का याद कर लेंगे। तो 18वां क्वेश्चन पूरा बता दिया मैंने आपको। 18वें के बाद में 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 19वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इसे भी हम देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में 19 लिखा है और ये यहाँ पर आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को भी देख लें पूरा और इसको याद कर लें। तो 19वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 20वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसको आप लोग देख सकते हो। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है,
20वें का या आपको दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो ये इसका उत्तर लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा और इसको याद कर लें पूरा। और इसके बाद में इधर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में 21वां क्वेश्चन क्या लिखा आपका, ये वाला देख सकते हो इसमें। तो देखिएगा इसमें आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया ना 21 का अथवा वाला, इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ये लिखा है। तो 21 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर ले आप सब लोग यहाँ से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए। ये वैसे आपका चैप्टर में से हट चुका है, अभी आपको 23वां क्वेश्चन देखना है और इसको हल करना है। तो 23वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि एक को यदि इनके 100वें पदों का सर्वांतर 100 है तो 1000वें पदों का सर्वांतर क्या, पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा पहले विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।